तो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि एपिसोड 8 में क्या दिखाया गया। एपिसोड 8 की स्टार्ट होती है कि जब जो मुटी है वो सो रही होती है, पर उसके दिमाग में वही सब सपने आ रहते हैं गन शॉट्स के, इसलिए वो उठ के बैठ जाती है क्योंकि वो भूल नहीं पा रही होती है। वो पूरी पूरा सीन वो भूल ही नहीं पा रही होती है अपने दिमाग में। तो वो डिसाइड करती है वो किसी कीमत पर भी गवर्नर से बदला लेके रहेगी। तो उसको याद आता है कि जब वो गवर्नर का रूम चेक कर रही थी तो उसको एक बॉक्स मिला था, और उस बॉक्स की का शेप बिल्कुल वैसा ही था जब इसको ये उठा के लेके आया था अपने रेसिडेंस पे, और तब इसने जैकेट से अपनी जो चाबी निकाली थी एपिसोड 2 में, अगर आपको ध्यान हो एपिसोड 1 में ऐसे कुछ था। तो फिर इसने ये देखा था कि चाबी, तो उसको लग गया था कि ये इसी से चाबी, क्या कहते हैं, खुले गया बॉक्स। तो फिर डिसाइड करती है कि मैं किसी भी कीमत पे वो चाबी लूँगी और इस बॉक्स को खोलूँगी, वो जाऊँगी कि क्या सीक्रेट क्या है उस बॉक्स का, कितना सेफ्टी क्यों रखता है उस, क्योंकि वो उस चाबी को लेके, पता है, वॉशरूम तक चला जाता है। तो उस उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है उस चाबी में। फिर उसके बाद फिर वो अगले दिन जाती है गवर्नर के पास और उसे बोलती है मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। उसे वो गिफ्ट देती है, ये एक परफ्यूम पाउच होता है। तो ये तो एकदम खुश हो जाता है, ओ माय गॉड तुम मुझे गिफ्ट दे रही हो। तो कहता है कि तुम ही मतलब लगा दो, इसको पॉकेट में रखा जाता है अंदर। तो फिर क्या करती है, फिर वो उसके पास जाती है। तो जैसे ही उसके पास जाती है उसके अंदर पॉकेट में परफ्यूम का पाउच रखने के लिए, तो एकदम उसके, तो इसके बाल से ना खुशबू आ जाती है। तो एकदम वो खुद उस चीज़ को वो उसमें स्मेल करने लगता है कि मेरे गॉड से खुशबू कितनी अच्छी है। और फिर उसका वो जब वो डाल लेती है, फिर उसका वो हाथ भी पकड़ लेता है, उसका फ्लर्ट करने लगता है बेसिकली। लेकिन जो मोटी होती है उसका पूरा ध्यान इस पर होता है कि किस तरह से वो चाबी वहाँ से निकाले। और फिर यहाँ पर तो जो गवर्नर होते हैं वो तो खुशी खुशी चले जाते हैं, लेकिन मोटी के हाथ में आ जाती है चाबी। उसके बाद उस बिना टाइम वेस्ट के तुरंत जाती है, वो बॉक्स खोलती है और एकदम शॉक रह जाती है जब उसको वो जो टोकन था उसमें मिलता है। इसी टोकन की वजह से ये प्रूफ नहीं हो पा रही थी कि ये असली बेटी है उनकी जिसकी शादी तय हुई थी। उसको फिर याद आता है कि ये वही टोकन था जो उसके फादर ने मरने से पहले उसको दिया था। और वो एकदम शॉक की वजह से वहीं पे बैठ जाती है। यहाँ पे जो हमारा हीरो रहता है ये बाहर आता है, लेकिन इसको कुछ काम पड़ता है इसलिए वापस अंदर जाता है। तो ये एकदम शॉक में रह जाता है जब तक कि मोटी वहाँ पे हो, बॉक्स और उस पेंडेंट वहाँ पे है। जिसके बाद तो जो मोटी होती है उसे कन्फ्रंट करती है कि तुम्हें तुम्हें पहले से पता था ना कि मैं ही असली बेटी हूँ, मैं ही वो बेटी हूँ जिसकी शादी तय हुई है तुम्हारे नेफ्यू से। हाँ तुम पहले से पता था ना। लेकिन ये जो होता है एकदम उसमें आता है कि नहीं देखो सुनो, तुम ये चेड़ लेके कहीं मत जाओ, क्योंकि ये जानने लगती कि अभी ऐसे प्रूफ हो जाएगा भाई कि यही असली बेटी है। और फिर वो गुस्से में आके उस जेड को एकदम गिरा के तोड़ देता है। जिसपे जो मुटी होती है वो क्या करती है कि वो नाइफ निकाल लेती है, कहती है कि मुझे, क्योंकि ये फिर वो टुकड़े होते हैं जेट्स के, उनको टूटे टुकड़े को लेके जा रही होती है। लेकिन फिर जो ये मुटी तो ये ले जाना नहीं दे रहा होता है, तो फिर मुटी नाइफ निकाल लेती है और उससे बोलती है मैं खुद को मार लूँगी अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे। तो फिर उसको मजबूरन में उसको जाने देना पड़ता है, तो उदास होता है एकदम। ये यहाँ पे ये जाती है सीधे अपनी बहन से मिलती है पहले, तो क्योंकि उसके रास्ते में बहन मिल जाती है और उससे फिर इन लोग की आर्ग्यूमेंट शुरू होती है। और फिर उसको बता देती है कि अब वो उसे नहीं छोड़ेगी। तो फिर ये इसे गलत मान लगती है, लेकिन फिर इस बार तो उसके पास तैयार है, तो चाकू निकालती है और कहती है मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अब मेरे पास प्रूफ आ गया है कि मैं ही असली बेटी हूँ। और फिर उसको धक्का दे के बेड पर गिरा के वो चली जाती है। वहाँ फिर वो सीधे जाती है जो गवर्नर का नेफ्यू है और जो ग्रैंड माँ का पोता है उसके पास, और सीधे उससे वो एकदम देखता है कि क्या हुआ, उसकी आंखों में एकदम आंसू भरे हुए हैं, यहाँ क्या करने आई है। तो उससे कहती है कि मैं ही हूँ असली डोंग जी की बेटी, शायद तुमसे तय हुई थी और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये पार्ट जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से